सर्जन से जो जुड़ी विशेष बातें हैं, जिसमें कि व्हीलचेयर और स्टैंडिंग, ये दो कैटेगरीज में इवेंट खेला जाता है, जिसमें व्हीलचेयर में 1-5 कैटेगरी रहती है, मेन विमेन आयोजन किए गए थे। वो चैंपियनशिप नहीं थी, वो कैंप थे और उनके सिलेक्शन ट्रायल्स थे। तो जो डाटा और जो खिलाड़ियों के जानकारी हमारे पास उपलब्ध थी, उनको हमने आमंत्रित कर उनके बीच में ट्रायल्स कराए थे और उनका सिलेक्शन किया था इंटरनेशनल इवेंट के लिए। पर यह पहला विधिवत नेशनल चैंपियनशिप के रूप में आयोजन है। स्पर्धा के पुरस्कार वितरण के लिए अर्जुन अवार्डी और भारत के टेबल टेनिस के गौरव मंजीत दुआ जी दिल्ली से आए हैं। आज उनके उपस्थिति में पुरस्कार वितरण यहाँ आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश टेबल टेनिस संगठन के आजीन अध्यक्ष, पैरा नेशनल टेबल टेनिस ओपन नेशनल चैंपियनशिप 22 मार्च से 25 मार्च तक इंदौर में आयोजित की गई और ये पहली अधिकृत चैंपियनशिप थी जो भारत सरकार द्वारा, खेल मंत्रालय द्वारा इसको अधिकृत किया गया था और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ द्वारा इसको निर्देशित किया गया था, जिसका आयोजन इंदौर में अभय प्रसाद स्टेडियम में किया गया। मध्य प्रदेश में नवगठित अभी पैरा टेबल टेनिस प्रमोशन एसोसिएशन के तत्वावधान में इसका आयोजन किया गया। 15 राज्यों के 150 के लगभग खिलाड़ी और अधिकारी इस स्पर्धा में उन्होंने शिरकत की थी और अपने लिहाज में एक ये बहुत ही अनूठा चैंपियनशिप और प्रयास हमारे द्वारा किया गया था, जिसमें कि जो पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं इनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेने का मौका मिले, ऐसा प्रयास किया गया था और जिसको बहुत हद तक ये सफल भी रहा है, क्योंकि 150 खिलाड़ी भाग लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात रहती है और अभी ये पहली बार था, लेकिन आने वाले वर्षों में उम्मीद करते हैं कि जो देश भर में पैरा प्लेयर्स हैं उनको हम एकत्रित करके उनका डाटा क्रिएट करके इस चैंपियनशिप को और बड़े पैमाने पर आयोजित करने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर हमेशा हमारा ये प्रयास रहा है कि टेबल टेनिस की और अन्य खेलों की गतिविधियों के लिए भी हम जितना सहयोग कर सकते हैं अपनी ओर के, जैसा आपको जानकारी है कि हमने हाल ही में जो राष्ट्रीय कुश्ती स्पर्धा हुई थी उसमें भी अपना पूरा सहयोग कुश्ती संगठन को दिया था अभय प्रशाल में और मध्य प्रदेश में, क्योंकि इस वर्ष ऑलरेडी काफी बड़ी स्पर्धाएं लाइनअप है जो कि इस साल के नेशनल कैलेंडर में इंक्लूड की जा चुकी है, जिसके अंदर लेवल 1 का सर्टिफिकेशन कोर्स, एक हाई परफॉर्मेंस कैंप है, भारतीय नेशनल टीम के कैंप्स हैं, उसके अलावा जो एक नेशनल रैंकिंग सेंट्रल जोन चैंपियनशिप है वो जुलाई में आयोजित किए जाना है और उसके अलावा सबसे बड़ी स्पर्धा वेटरन नेशनल चैंपियनशिप, जो की एक सबसे हाई प्रोफाइल इवेंट टेबल टेनिस में माना जा रहा है अभी विगत वर्षों से, कि उसमें 1500 से अधिक खिलाड़ी भाग लेते हैं, उसका भी आयोजन इस वर्ष के अंत में किया जाना चाहिए।